लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी। बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया और असम के सिलचर से महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव को टिकट। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन में पेंच फंसा। लेफ्ट ने 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर कांग्रेस के लिए 17 सीटें छोड़ी। कांग्रेस 17 सीटों से संतुष्ट नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी पीसी चाको ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन जरूरी, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आज देहरादून में रैली। राहुल की रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी समेत कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह के दामाद के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन लॉन्च किया। ट्वीट कर कहा, मैं अकेला नहीं, भ्रष्टाचार और गंदगी से लड़ने वाले हर व्यक्ति को चौकीदार बताया। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे में बीएमसी की कार्रवाई शुरू। चीफ इंजीनियर समेत दो लोग निलंबित। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट नहीं करने पर चीन की सफाई। कहा, वो इस मामले में भारत समेत सभी पक्षों के साथ और विचार विमर्श करने को तैयार था। और न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में दो मस्जिदों पर हुई फायरिंग में 51 लोगों की मौत। फायरिंग के बाद से 9 भारतीय लापता। कोर्ट ने हमलावर को 5 अप्रैल तक हिरासत में भेजा।